हेलो एवरीवन, वेलकम टू जमाल्स किचन। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं वेज चाउमीन। खाने में बहुत अच्छी, सबको बहुत पसंद आती है, बच्चे बड़े सब घर में बहुत पसंद करेंगे। आप देखिए एक बार, इसको घर में ज़रूर ट्राई करिए। आइए इसको कैसे बनाते हैं। इसके लिए लिए हैं मैंने 2 पैकेट हक्का नूडल्स के। आप कोई से भी हाफ बॉइल्ड वाले चाउमीन भी ले सकते हैं। ये मैंने हक्का नूडल्स के 2 पैकेट लिए हैं। 2 प्याज मीडियम साइज़ के, बंद गोभी, 2 हरी मिर्चें पतले स्लाइस में काट लिए, 2 शिमला मिर्च को भी हम पतले पतले क्यूब्स में काट लिए हैं, 2 गाजर। ये हेल्दी भी रहती है बच्चों के लिए घर में बनाने के लिए। 2 चम्मच सोया सॉस, 2 चम्मच विनेगर, ये 2 चम्मच छोटे चम्मच लिए हैं मैंने, 2 चम्मच रेड चिली सॉस, 2 पाउच हमने मैगी मसाला लिया है मैगी क्यूब्स के, 1 चम्मच भर के काली मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच हमने पीली मिर्ची लिए हैं, 1/2 चम्मच अजीनोमोटो, इससे बहुत अच्छा चाउमीन में टेस्ट आएगा, 1 कटोरी पनीर, इसको भी छोटे क्यूब्स में काट लिया है, 10 से 15 लहसुन की कलियाँ, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा चाउमीन में। एक बार अच्छे से मसाला नोट कर लीजिए आप। सबसे पहले हम इसको बॉईल करेंगे। पानी हमने बॉईल करने कढ़ाई में चढ़ा दिया था। पानी में जैसे ही बॉईल उबाला आएगा उसमें हम अपने नूडल्स डाल देंगे। ये देखिए, दोनों नूडल्स पैकेट डाल देंगे इसमें। इसको कम से कम हमें 80% बॉईल करना है, 10 से 12 मिनट के बीच में इसको बॉईल करेंगे फुल आंच पर। इसको हिलाते रहना है। 1/2 चम्मच नमक डालेंगे इसमें हम। देखिए बॉइल्ड आ गया है, इसको हल्के हाथ से हिलाएंगे, अपने आप खुलते रहेंगे ये। ये इसमें बॉइल्ड आना शुरू हो गया है, इसको चेक करते रहेंगे बीच में। ये देखिए, ये हमारे नूडल्स गल गए हैं, इसको हम अब ड्रेन कर लेंगे छन्नी में। 80% मैंने इसको कुक कर लिया है। इसके बाद तुरंत हम इसमें ठंडा पानी बहुत सारा डालेंगे, जिससे हमारे नूडल्स चिपकेंगे नहीं। एक तरीके से इसको ठंडे पानी से पूरे से धो लेना है। ये देखिए कितने अच्छे खिले खिले नूडल्स हो गए हैं ये। इसको खुले बर्तन में निकालेंगे हम। अब इसमें हम 2 चम्मच भर के वेजिटेबल ऑयल डाल देंगे, इससे ये चिपकेगी नहीं चाउमीन। मिला देना है इसको अच्छे से हाथ से और इसको हवा में रख देंगे हम। ये देखिए कितना अच्छा, बहुत अच्छे लग रहे हैं नूडल्स ये। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये हमारी चाउमीन चिपकेगी नहीं। पहले 1 चम्मच हम कढ़ाई में तेल डालेंगे, इसको तेज़ आंच पे गरम करेंगे चारों तरफ। देखिए इसको, अब इसको टिश्यू से हम पोंछ देंगे। ये एक तरीके से हमारा नॉन स्टिक की तरीके से कढ़ाई हो जाएगी, इसमें चाउमीन चिपकेगी नहीं। अब इसी में हम ऑयल डाल देंगे 2 चम्मच। ये तरीका ज़रूर अपनाइएगा आप, इससे चाउमीन चिपकेगी नहीं। चाउमीन हो या मैगी, दोनों नहीं चिपकेंगे। अब हम तेज़ आंच पे रखना है हमें कढ़ाई। लहसुन डाला इसमें हमने थोड़ा सा, इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। इसी में हरी मिर्ची डाल देंगे, प्याज जल्दी जल्दी डालेंगे, आँच हमारी फुल है, गाजर, इसको 1-1 मिनट 2-2 मिनट के लिए बस सॉटे करना है, इसको ज़्यादा हमें पकाना नहीं है। शिमला मिर्च भी डाल देंगे इसी में ही। एक बार आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत पसंद आएगी बच्चों को, घर को बाहर की चाउमीन खाना छोड़ देंगे। फुल आंच पे रखना है हमको फ्लेम। अब हम अपने जो हमने बंद गोभी काटी थी वो भी डाल देंगे, इसको लास्ट में डालना है। इसको भी ऊपर नीचे मिला देंगे अच्छे से। पनीर, इसको भी थोड़ा सा 2 मिनट के लिए फ्राई कर देंगे सब्जियों के साथ ही, ये हेल्दी भी रहता है बच्चों के लिए। अब चाउमीन डालेंगे इसमें हम, जो नूडल्स हैं हमारे वो डाल देंगे। देखिए कितने खिले खिले नूडल्स हैं, एकदम चिपके नहीं है ये और ना ही ये कढ़ाई में चिपकेंगे। सोया सॉस, जल्दी जल्दी मसाले डालेंगे, अजीनोमोटो, विनेगर 2 चम्मच, ये पीली मिर्चें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, कलर भी बहुत अच्छा आएगा, काली मिर्ची 1 चम्मच भर के, रेड चिली सॉस, सारे मसाले एक साथ डाल देंगे हम।
मैगी मसाले। अब नमक डालेंगे, नमक हम पहले भी डाल दिए हैं तो इसलिए थोड़ा नमक कम डालेंगे। इसको अच्छे से मिला देंगे। गैस का फ्लेम तेजी है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का आप। अब इसको अच्छे से दो चम्मच की सहायता से मिला देंगे अच्छे से। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है चाउमीन में। ऊपर नीचे अच्छे से सारा मसाला मिक्स कर देना है। 3 से 4 मिनट में हमारी चाउमीन तैयार हो जाएगी। आप देख रहे हैं कितना अच्छा कलर आया है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसमें। अब हम इसको सर्व करेंगे, हमारी चाउमीन तैयार है। एक बार आप घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, देखिए बहुत अच्छी लग रही है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा आपको चाउमीन कैसी लगी। थैंक यू।